हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवू इज किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की फ्राई सब्जी, जिसे आप रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं सब्जी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने ये 250 ग्राम ली है शिमला मिर्च, जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। तकरीबन उतने ही लिए हैं मैंने आलू, जिनको मैंने छीलकर धोकर क्यूब में काट लिया है। दो मीडियम साइज के हैं टमाटर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेती हूँ मैं कढ़ाई। कढ़ाई मैंने ले ली है, अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च थोड़ी से सौटे करेंगे हम। शिमला मिर्च हम निकाल लेंगे और अब इसमें डालेंगे आलू। देखिए आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम आलू भी निकाल लेंगे। अब हम लगाएंगे सब्जी को तड़का। जीरा, जीरा हमारा चटक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब डालेंगे इसमें फ्राई की हुई सब्जी। और डालेंगे कुछ बेसिक पाउडर मसाले, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब सब्जी को ढककर पकने देंगे 5 मिनट लो फ्लेम पे। सब्जी को अब हम चलाएंगे। और इस स्टेज में अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। दो से 3 मिनट और पकने देंगे। दो मिनट और पकाएंगे हम सब्जी को भी।
और ये देखिए सब्जी हो गई हमारी बनकर तैयार। अब इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून गरम मसाला, अमचूर पाउडर, क्रश करके हल्की सी कसूरी मेथी, अगर आप चाहें तो धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, हरा धनिया। चलिए अब निकालते हैं अपनी सब्जी को सर्विंग बाउल में। पहले करूंगी मैं फ्लेम को ऑफ। तो ये देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना सुंदर आया है, बनी भी अच्छी है। अब स्वाद तो टेस्ट तो बाकी तो खाकर ही पता चलेगा कि स्वाद क्या है इसका। बट अगर आप लोगों को भी हमारी रेसिपी विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक पसंद आती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को। मिलेंगे अगली अच्छी सी एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।